आज हमारी संस्कृति में, वाकई में आज हमारा सगा समाज हमारी संस्कृति को भूले जा रहा है, भूलते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति के कारण ही आज हम लोग जीवित है, या हम अपनी पहचान हमारी संस्कृति के कारण ही बता पा रहे हैं। आज मैं बताना चाहूँगी संस्कृति के अंतर्गत आने वाली, आज मैंने क्योंकि देखा है अभी कुछ 4-5 दिन पहले मिमिंग हुआ है हमारे ही फैमिली में या अदर जगह भी, तो इसके पहले मैंने हमारी संस्कृति के अंतर्गत आने वाली हमारी पाना पालसी है उस पर भी मैंने हमने तो बात रख दिया है। और जैसे हमारा एंदीना और पाटावारीना जो कला है, इससे भी संबंधित हमने बात रख दिया है 13 जून को फेसबुक लाइव के माध्यम से 4 बजे एंदीना और पाटावारीना में। और हमारी पाना पारसी को विलुप्त होने से भी बचाना, इस पर भी हमने बात रख दिया है। आज मैं बताना चाहूँगी मड़मिंग नेंग पे। मड़मिंग नेंग आज हमारी जो पहले की जो परंपरा थी हमारे पुरखा लोगों की, आज हम सब लोग उस परंपरा को भूल चुके हैं और भूलते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने बचा के रखा है, आज हमारी परंपरा को बचा के रखना है। जैसे कि हमारी मड़मिंग जो नेंग है, पहली बात मैं बोलना चाहूँगी इसमें हमारी इसमें जो इसमें भी 2-3 कंडीशन होती है। एक लड़की बारात जाती है, एक लड़के की बारात आती है, और एक लमजाड़ जो मड़मिंग जो पार्ट जो होता है जिसकी शादी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, और फिर उसके बाद अगर वो शादी करना चाहता है तो वो शादी नहीं करता, वो पार्ट करता है। तो सबसे पहले मैं बात रखना चाहूँगी हमारी मड़मिंग पे। हमारी जो मड़मिंग की जो व्यवस्था है, खैर पूरी व्यवस्था तो नहीं बता पाऊँगी मैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि वाकई में मुझे साझा करना चाहिए आप लोग से, मैं उस चीज़ को साझा करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मतलब जानने की बहुत आवश्यकता है। और मैं सभी मार्गदर्शकों को जो मुझसे बड़े हैं उनसे मैं चाहूँगी कि कभी समय मिले तो बात बैठ के और अच्छे से इस हमारी मड़मिंग व्यवस्था को और अच्छे से सगा समाज के बीच में रखें और समझाएं। बहुत बहुत आभारी रहूँगी मैं, और हमारा GSU परिवार बहुत बहुत आभारी रहेगा। तो मैं जो चीज़ें जान रही हूँ मैं उस चीज़ को बताने जा रही हूँ। जैसे मड़मिंग जो व्यवस्था है, आज हमारी स्थिति में यह कंडीशन है कि लड़का बारात लेके जाता है, लेकिन हमारे पुरखा लोग उस समय लड़की की बारात लेके जाते थे। लड़की बारात जाती थी तो उस अवस्था में जब बारात जाती थी, पूरे नेंग होते थे, सेंग होते थे, पूरे दस्तूर होते थे। ये सब होने के बाद में उस लड़की को कोड़ियार बोला जाता है। जो लड़की की बारात जाती है उस लड़की को जब बहू बन जाती है उसे कोड़ियार बोला जाता है। और ये कोड़ियार बोलने का हक अधिकार हर किसी को नहीं है, यह सिर्फ जो लड़की की बारात जाती है लड़के के घर में और वहाँ पे अपने परंपराओं के साथ में वो जब शादी करती है या मड़मिंग करती है, तभी वो ही मात्र शक्ति अपने आप को कोड़ियार बोल सकती है। अन्यथा हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज इतने अच्छे हैं कि हर किसी को, हर किसी का हक बेवजह नहीं दिया जाता और नहीं दिया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारी प्रकृति की, हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। तो कोड़ियार बोलने का हक अधिकार हर मात्र शक्ति को नहीं है, कोड़ियार बोलने का अधिकार सिर्फ मात्र वही मात्र शक्ति को है जो लड़की की बारात जाती है लड़के के घर में और उसके घर में पूरे नेंग दस्तूर और जो दस्तूर होते हैं उसी को बोलने का हक और अधिकार दिया गया है। वो मात्र शक्ति अपने घर को अच्छी तरीके से संभालती है, अपने पेन पट्टाओं की देखभाल करती है, अपनी सभी चीज़ों को मतलब पूरे परिवार को संभालती है, उसको कोड़ियार बोला जाता है। दूसरी बात आती है जैसे लड़का बारात लेके जाता है लड़की के घर, उसको लमजना मड़मिंग बोला जाता है हमारे इसमें, तो उसे कोड़ियार बोलने का हक नहीं है। और क्यों इसलिए कोड़ियार बोलने का हक नहीं है, क्योंकि लड़के की बारात जाती है लड़की के घर, तो इसलिए उन्हें हक नहीं दिया जाता कोड़ियार बोलने का। और तीसरी अवस्था ये है जैसे जिसका पति एक्सपायर हो जाता है या जिसकी बीवी एक्सपायर हो जाती है,
तो वो अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो वो उसे क्या बोलते हैं, पार्ट मर्डरिंग बोला जाता है। हम लोग इसलिए जानते हैं इन चीज़ों को, मोटी मोटी चीज़ों को, कि हमारे इधर हुआ है ऐसा। लमजना मर्डरिंग भी हुआ है, कोड़ियाद मर्डरिंग भी हुआ है, यहाँ तक कि हमारी स्वयं की फैमिली में मेरे स्वयं के मामा जी ने 2015 में कोड़ियाद मर्डरिंग किए हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, शायद महाराष्ट्र के सभी दादा लोग, कुछ दादा लोग तो जानते ही होंगे उनको, परबाताई पेंदाम, उनके भाई बड़े वाले, उन्होंने कोड़ियार मर्डरिंग किया। मतलब मामी जी की बारात आई हुई थी, उस समय हम लोग भी नहीं जानते थे, तब से ही हम लोग भी जानते कि कोड़ियार मर्डरिंग क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद हमारे ही मतलब गांव में जैसे पाट मर्डरिंग बोलते हैं, वो भी हमने देखा है। तो ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन आज की एक वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं आज एक बात रखना चाहूँगी आप सबके बीच में, माफ़ी चाहूँगी। एक एनालाइज किया है हमने कुछ दिनों से, पता नहीं ऐसा क्यों साझा करने का मन कर रहा है, इसलिए मन कर रहा है क्योंकि जब तक साझा नहीं करूँगी आप लोगों से, तब तक के मतलब वो मेरे ही दिमाग में घूमते रहेगी ये बात कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा से ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आज मैं बताना चाहूँगी जैसे हमारे इसमें कितना अच्छा मतलब सिस्टम बना हुआ है, हमारी प्रकृति में हमारी मर्डरिंग को लेकर कितनी अच्छी व्यवस्थाएँ बनी हुई हैं, फिर भी आज हमारी जीआरपी है एक परिचय सम्मेलन के माध्यम से हम जैसे पढ़े लिखे मतलब युवा पीढ़ियों को परिचय सम्मेलन या मंच के माध्यम से हम सब युवा पीढ़ियों को अपना परिचय देना पड़ रहा है मर्डरिंग के लिए। ये हमको मतलब थोड़ा सा मतलब अचंभित लगा, अचंभित इसलिए लगा, हमने कहीं कहीं जगह देखा है और सुना है कि परिचय सम्मेलन होता है और मंच के माध्यम से हर लड़की क्या बोलते हैं अपना परिचय देती है शादी के लिए, या हर मतलब लड़का परिचय, मतलब सभी लोग नहीं देते, उन लोग देते हैं जिन्हें मतलब शादी करना होता है, जिनके मतलब अधिक शिक्षा ग्रहण होने के कारण शायद उनकी शादी नहीं जुड़ती होगी, ऐसा कुछ भी ऐसी कुछ कंडीशन होती होगी, या अधिक उम्र हो जाने के कारण शायद उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, इस कारण भी उन लोग परिचय देने की संभावना बनती होगी। लेकिन ये सारी कंडीशन को कौन क्रिएट करता है, हम ही लोग करते हैं ना इस सारी चीज़ों को, हम ही लोग मतलब इस समस्या का शिकार हम ही लोग स्वयं बनते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और नौकरी की तलाश में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग पढ़ाई के साथ में नौकरी की तलाश करते करते हमारी उम्र बीत जाती है, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी उम्र तो बीत रही है लेकिन हमारी हमारे साथ में और एक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ मतलब हमारे जो जिन्होंने जन्म दिया माता पिता उनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो चलती होगी कि हमारी बेटा बेटी मतलब शादी के उम्र की हो चुकी है तो शादी क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उनको भी कुछ मतलब थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो हम लोगों को ये ऐसी हमारे आज भाई बहनों को यह कंडीशन आ गई है कि आज की वर्तमान स्थिति को परिस्थिति को देखते हुए कि मंच के माध्यम से और परिचय सम्मेलन के माध्यम से हमको मर्डरिंग के लिए परिचय देना पड़ रहा है। परिचय इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि उन लोग सिर्फ शिक्षा शिक्षा मतलब पढ़ाई पढ़ाई देखा और एक नौकरी की तलाश देखा। लेकिन आज आप वही देखिए ना, हमारे गांव स्तर के मतलब युवा पीढ़ी, हमारे भाई बहन मतलब बोलना चाहिए तो पहले से ही जैसे उनकी उम्र जैसे 18 साल होने के रहते हैं, उसके एक दो साल पहले से उनकी शादियाँ मतलब उनको देखने लग जाते कि नहीं ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, मतलब इससे हमको इसको बहू बनाना है या हमको इसको दामाद बनाना है। गांव स्तर की जो व्यवस्था है ना बहुत ही अच्छी है, मानना पड़ेगा वैसे गांव, क्योंकि गांव स्तर में प्रकृति की परंपराओं को रीति रिवाज को सहज के रखा है, इसलिए प्रकृति भी उनका मतलब बोलना चाहिए तो साथ दे रही है उनको लेके चल, क्योंकि प्रकृति को इन लोग लेके चल रहे हैं, प्रकृति के परंपराओं को बचा के रखा है इन्होंने, इसलिए इनके आपको सजा नहीं आ रही है। आप लोग गांव स्तर में देखिएगा 24 से 25 साल या 26 साल तक के हद से 26 साल तक के रह गए तो रह गई लड़की, नहीं तो हो गया शादी हो गई। 18-19 साल से शादियाँ स्टार्ट मतलब करना स्टार्ट हो जाती है लड़कियों की, और लड़का भी 23 साल 24 साल 25 साल, और इनकी शादियाँ मतलब इनको ना परिचय देने की आवश्यकता है ना कुछ करने की आवश्यकता है, इनकी शादियाँ ऐसे ही जुड़ जाती है, मतलब
जैसे बोला जी तो माँ बाप या चाचा मामा कोई भी मतलब किसी को भी बोल दिया जाता है कि वो किसकी लड़की है या वो किसका लड़का है, हमें वो लड़का पसंद है या हमें वो लड़की पसंद है, हमको उसको बहू बनाना है, ये कंडीशन आती ही नहीं। लेकिन अधिक शिक्षा ग्रहण करने वाले, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारे प्रकृति और हमारी रीति रिवाज के अंतर्गत या हमारी परंपराओं के अंतर्गत ऐसा है ही नहीं कि हमको मंच के माध्यम से हमको मर्मिंग के लिए परिचय देना पड़े। ये हमारे प्रकृति के अंतर्गत परंपराओं के विरुद्ध है कि हमको परिचय देना एक विरुद्ध है। ये हमारे प्रकृति के परंपरा रीति रिवाज के अंतर्गत नहीं आता कि हमें परिचय देना पड़ रहा है हमको स्वयं को मर्मिंग के लिए, ये गलत बात है ना। तो बोलना चाहूँगी मैं, जैसे होता है एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगी, जैसे गुलाब का फूल है, उस गुलाब से जब वो कली निकलती है तो कितना अच्छा रहता है और कैसा सहज के एकदम पूरा ऐसा पूरे लपेटे में, मतलब धीरे धीरे जब वो कली निकलती है और वो धीरे 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 बढ़ते जाता है और जब बढ़ जाता है और पूरा खिल जाता है, खिलता है, तो मतलब वो जब कली रहती है तब से उसकी सुंदरता, और जब वो पूरा खिल जाता है तब बहुत अच्छा दिखता है, पूरी तरह से वो खिल जाता है तब बहुत अच्छा दिखता है। खिलने के बाद में जब उस गुलाब की पंखुड़ियाँ आप देखोगे, जब पूरा खिल जाता है, उसके खिलने की अवस्था जब पूरी तरीके से पूर्ण हो जाती है, खिलने के बाद में आप स्वयं देखिएगा एक एक पंखुड़ी गिरने लगती है, एक एक पंखुड़ी गिरने लगती है, और गिरने के साथ साथ में धीरे धीरे सभी पंखुड़ियाँ गिर जाती है, और जब गिर जाती है तो वो गुलाब का जो वो जो कली है जब वो खिलता है और जब पंखुड़ियाँ सभी खिल जाती है तो उस वो पंखुड़ियाँ बचा रहता है क्या? कुछ भी नहीं बचा रहता। ठीक उसी प्रकार आप लोग, हम सब मतलब युवा पीढ़ी, आप एक उदाहरण के लिए देख लीजिए, आप एनालाइज कीजिए, हम ये नहीं बोल रहे, आप स्वयं प्रकृति के मतलब जो खिलते हैं फूल या कुछ भी, आप प्रकृति के अंतर्गत सोचिए, हमारी परंपराओं के अंतर्गत सोचिए, हमारी रीति रिवाज के तहत सोचिए, वाकई में आप उस गुलाब के फूल की तरह हैं। धीरे धीरे जब आप जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं तो इतना मतलब इतने अच्छे दिखते हैं, जब आप पूरी तरीके से खिल जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, आप सभी को आकर्षित लगने लगते हैं, आकर्षित करते हैं। जब मतलब जब खिलने के बाद में जब हमारी उम्र धीरे धीरे ढलने लगती है तो ये नहीं बोलना चाहूँगी कि हम लोग अच्छे नहीं दिखते, खैर उस समय भी अच्छे दिखते हैं, लेकिन हमारे जो जिन माँ बाप ने हम लोगों को जन्म दिया है उनकी तो टेंशन हम बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को भी टेंशन में रख रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी मर्मिंग व्यवस्था है, कृपया हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूँगी कि इस व्यवस्था, इस रीति रिवाज को आप सभी लोग बचा के रखें। आप लोग परिचय देने, मंच के माध्यम से परिचय देने की नौबत ना आए, आप लोग ऐसे ही आप लोग क्या कहते हैं आप में ऐसी जिज्ञासा करके हमको परिचय देने की मतलब जरूरत इसलिए पड़ती है। एक बात हम लोगों ने एनालाइज किया है, परिचय देने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोग प्रकृति के बारे में नहीं जान रहे हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ाई और नौकरी पे ध्यान दे रहे हैं, हम लोग सगा समाज के बीच में नहीं बैठ पा रहे हैं, इसलिए हमको पूरा सगा समाज नहीं जानता। आज आप गांव में आके देखिए, आज एक गांव क्या आपको दो तीन गांव जानता होगा, जो भी गांव से मेरे सगा भाई होंगे आप लोग स्वयं देखिएगा, अगर आप एक गाँव में रहते हैं और आपको उस गाँव का व्यक्ति या कहीं से बाहर से आया हुआ व्यक्ति पूछेगा कि एक उदाहरण के लिए बोला जाए, राजा रावण राज तिलक कहाँ रहता है या संबल दाऊ कहाँ रहते हैं, आप दूर से ही बता दोगे कि नहीं वो जंगली खेड़ा के संबल दाऊ है, राजा रावण राज तिलक दाऊ या कमलेश दाऊ, मतलब हम सब लोग क्योंकि सगा समाज के बीच में रहते हैं। आज हम लोग जैसे सूर्य बाली सर को क्यों जानते हैं, क्योंकि वो हमारे सगा समाज के बीच में रहते हैं, वैसे ही फनीस दाऊ को हम आज कैसे जानते हैं, सगा समाज के बीच में रहते हैं। आज आप मतलब हम एक दूसरे को कैसे जान रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग सगा समाज के बीच में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग सगा समाज के बीच में रहते हैं। तो कृपया करके आप लोग भी हमारी कोया पुनेम को अच्छी तरीके से जानें, ताकि आप लोगों को परिचय देने की आवश्यकता ना पड़े, वो भी मंच के माध्यम से, क्योंकि हमारी संस्कृति और
हमारी परंपराओं के विरुद्ध है।